का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स एंड इट्स टाइप्स, प्रतिरोधक और उसके प्रकार। प्रतिरोधक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यूज करते हैं पर इतना यूज नहीं है जितना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम रजिस्टर और उसके प्रकार को अच्छे से जान लेंगे। अब एक तो होता है रजिस्टेंस, एक होता है रजिस्टर, दोनों एक जैसे वर्ड लग रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है प्रतिरोध और प्रतिरोधक में, एक बार ये जान लेते हैं। रजिस्टेंस क्या होता है, जो कि हम पिछली वीडियो में भी जान चुके हैं, रजिस्टेंस एक किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो करंट का अपोज करती है, करंट के मार्ग में विरोध उत्पन्न करती है, वो तो रजिस्टेंस हुआ। अब रजिस्टर की बात करते हैं, रजिस्टर क्या है कि यदि हम किसी पदार्थ के टुकड़े को या एक कोई वायर का एक टुकड़ा है उससे एक ऐसे पुर्जे का रूप दे दे, एक ऐसे कंपोनेंट का रूप दे दे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताने लगे, एक रेजिस्टेंस का मान बताने लगे, तो वो रेजिस्टर कहलाता है। ठीक है, रेजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बता रहा हो, वो हमारा रेजिस्टर कहलाता है। रेजिस्टर टू टाइप्स के होते हैं, लीनियर रेजिस्टर और नॉन लीनियर रेजिस्टर। लीनियर रेजिस्टर मतलब रैखिक प्रतिरोधक जिसे कहते हैं, नॉन लीनियर रेजिस्टर होता है अरैखिक प्रतिरोधक। दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे, पहले हम लीनियर रेजिस्टर्स को और उसके टाइप्स को जान लेते हैं। लीनियर रेजिस्टर में वोल्टेज जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अगर वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो करंट का मान भी बढ़ता है, वोल्टेज के मान को घटाएंगे तो करंट का मान भी घटता है। लीनियर रेजिस्टर्स ऐसे रेजिस्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब ओम के नियम को फॉलो करते हैं। अब वहां क्या होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रही है, यदि हम इसमें एक ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आता है, एक लीनियर ग्राफ मिलता है हमें कि जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा करंट का मान भी वैसे ही बढ़ता है। अब लीनियर रजिस्टर के भी टू टाइप्स हैं, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर को डिटेल में जान लेते हैं। फिक्स रजिस्टर क्या होता है, जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, स्थिर प्रतिरोधक जिसके मान में कोई चेंज नहीं आता है। अगर जो उसका मान बना दिया गया है उसका मान फिक्स रहता है, हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे फिक्स रेजिस्टर स्थिर प्रतिरोधक कहलाते हैं। फिक्स रेजिस्टर जैसे फर्स्ट आता है हमारा कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर क्या होता है कि ये एक ऐसा रेजिस्टर है जो कार्बन और ग्रेफाइट के मिक्सचर से बनाया जाता है, कार्बन और ग्रेफाइट के मिक्सचर से बनाते हैं और इन दोनों के मिक्सचर का एक रेशो रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कराता है। इन दोनों के मिक्सचर से हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। अब जो एक कंपोनेंट बनाया है ग्रेफाइट और कार्बन के मिक्सचर से, उसके ऊपर एक इंसुलेशन टेपिंग कर दी जाती है और उसके इंसुलेशन टेपिंग के ऊपर कलर बैंड बनाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, जिनसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता कर सकते हैं। अब कलर के माध्यम से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। इस रजिस्टर को हम बैंड टाइप रजिस्टर भी कहते हैं। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर का यूज हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में और जैसे CFL का एडोप्टर होता है उसमें यूज करते हैं, नियोन टेस्टर, ऐसे छोटे छोटे सर्किट में हम कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन फिल्म रेजिस्टर। कार्बन फिल्म रेजिस्टर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर के जैसा होता है। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर में हमने कार्बन का ग्रेफाइट के मिक्सचर से उसे बनाया है। कार्बन फिल्म रेजिस्टर एक इंसुलेशन बोर्ड के ऊपर कार्बन को फिल्म करके बनाया जाता है। अब इसमें जो कार्बन की फिल्म की जाती है उसकी विड्थ के अनुसार हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। कार्बन की जो फिल्म होती है वो अगर विड्थ मोटाई में है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, और अगर उसकी विड्थ कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। मेटल फिल्म रेजिस्टर, मेटल फिल्म रेजिस्टर सेम कार्बन फिल्म रेजिस्टर के जैसा है, नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें बस डिफरेंस क्या होगा कि हमने कार्बन फिल्म रेजिस्टर में कार्बन को फिल्म किया था, यहाँ हम मेटल को फिल्म करते हैं। मेटल के रूप में निकिल क्रोमियम भी हो सकता है और मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है। इसमें भी जो मेटल की जो वेट होती है, जो मेटल को हमने फिल्म किया है उसकी वेट रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करता है कि विड्थ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना कम होता है, और उसकी विड्थ जितनी कम होती है रेजिस्टेंस उतना उसका ज्यादा होता है। मेटल फिल्म रेजिस्टर का यूज हम हाई एक्यूरेसी के लिए करते हैं। मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर,
मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर को बनाने के लिए टीन का यूज किया जाता है। टीन ऑक्साइड के थिक फिल्म का यूज करते हैं। हाई एक्यूरेसी और हाई रेजिस्टेंस के लिए हम मेटल फिल्म ऑक्साइड का रजिस्टर का यूज करते हैं। इसका मोस्टली यूज कहाँ किया जाता है कि जहाँ कंपोनेंट हीट प्रोड्यूस करते हो वहाँ हम मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वायर वाउंड रजिस्टर। वायर वाउंड रजिस्टर, जैसा हमें समझ आ रही कि वायर को वाउंड किया गया होगा, तो यहाँ क्या करते हैं कि सिरेमिक की रोड के ऊपर रेजिस्टेंस वायर को वाउंड किया जाता है, तब हमारा वायर वाउंड रजिस्टर तैयार होता है। अब इसमें रेजिस्टेंस वायर के लिए हम यूरेका वायर, नाइक्रोम वायर, टंगस्टन वायर या मैंगनीन वायर का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल रजिस्टर लीनियर रजिस्टर का सेकेंड टाइप है। जैसा कि हमें नाम से समझ आ रहा है, वेरिएबल रजिस्टर मतलब इसमें रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है कि ऐसा रजिस्टर है जो कि हम सर्किट में लगाने के बाद भी या सर्किट में लगाने से पहले उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करने के लिए या तो इसमें नॉब का यूज किया जाता है या कोई स्क्रू होता है जिसके द्वारा हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जो हमारे वेरिएबल रजिस्टर्स होते हैं, जैसे रेडियो है या टीवी हुआ करते थे, उनमें हम वॉल्यूम या ब्राइटनेस को घटाने या बढ़ाने के लिए हम वेरिएबल रजिस्टर का यूज करते हैं। एक नॉब होती है, उसके द्वारा हम घटा और बढ़ा सकते हैं। वेरिएबल रजिस्टर्स एक तीन टर्मिनल डिवाइस है, उसमें जो टर्मिनल होते हैं वो तीन टर्मिनल होते हैं। वेरिएबल रजिस्टर्स मेनली हमने जो दिखाया है वो तीन टाइप्स के हैं, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट और ट्रिमर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर एक वोल्टेज के लेवल को कंट्रोल करने वाला रजिस्टर होता है जिसके द्वारा हम वोल्टेज के लेवल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये भी एक तीन टर्मिनल वाली डिवाइस है और नॉब के द्वारा, उसमें पोटेंशियोमीटर में एक नॉब होती है, उसके द्वारा हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसमें जो वोल्टेज होती है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि यदि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू कम होती है, वोल्टेज का लेवल डाउन जाता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते हैं तो वोल्टेज उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ती है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। रियोस्टेट एक तीन टर्मिनल वाली ही डिवाइस है जिसका यूज हम रियोस्टेट का यूज करते हैं हम करंट को कंट्रोल करने के लिए, फिर करंट की वैल्यू को लिमिट में करने के लिए। रियोस्टेट भी एक वायर वाउंड रजिस्टर के जैसे ही है, बस वायर वाउंड रजिस्टर होता है हमारा एक फिक्स रजिस्टर। रियोस्टेट में हम उसके वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, उसके मान को परिवर्तित कर सकते हैं। सेम वायर वाउंड रजिस्टर की जैसे ही बनता है कि एक सिरेमिक कोर होती है, उसके ऊपर रजिस्टेंस वायर को लपेटा जाता है। इसमें जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करने के लिए, मान को कम और ज्यादा करने के लिए एक स्लाइडर लगा होता है कि स्लाइडर को हम खिसका कर उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ट्रिमर सेम पोटेंशियोमीटर की जैसे ही है, बस डिफरेंस क्या है कि पोटेंशियोमीटर में हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करते हैं, बदलते हैं, वो एक नॉब के द्वारा किया जाता है। ट्रिमर को हम पहचान सकते हैं कि उसमें एक स्क्रू होता है, स्क्रू के द्वारा हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जो ट्रिमर होता है वो बेटर एफिशिएंसी के लिए यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर को हम जो उसमें रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं वो मेगा ओम में भी हो सकता है, बड़ी वैल्यू के रेजिस्टेंस को भी हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा चेंज कर सकते हैं। बट जो हमारा ट्रिमर होता है उसमें रेजिस्टेंस ओम में होता है, छोटी वैल्यू के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको चेंज करने के लिए, वेरी कराने के लिए हम ट्रिमर का यूज करते हैं। नॉन लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जिसमें करंट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, मतलब करंट जो होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, वो टेम्परेचर, वोल्टेज और लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने नॉन लीनियर रजिस्टर को कुछ टाइप्स में बांट दिया है। इसे फर्स्ट टाइप आता है हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो कि नाम से भी कुछ समझ आ रहा है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। दो टाइप्स के होते हैं, पीटीसी और एनटीसी। पीटीसी हमारा एक ऐसा रजिस्टर है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता है कि यदि टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है, यदि टेम्परेचर के मान में कमी आती है तो रेजिस्टेंस के मान में भी कमी आती है। मतलब ऐसा समझते हैं कि
रेजिस्टेंस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, उसके समानुपाती होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो उसके अपोजिट काम करता है कि यदि हमारे टेम्परेचर में कमी हो रही है तो रेजिस्टेंस के मान में बढ़ोतरी होती है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। यदि टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस के मान में कमी हो जाती है। सेकेंड टाइप है वेरिस्टर, जिसे हम VDR भी कहते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, मतलब वो पूरा वोल्टेज पर डिपेंड होता है कि यदि वोल्टेज के मान में चेंज होगा तो रेजिस्टेंस के मान में भी चेंज होता है। VDR का यूज हम या वेरिस्टर का यूज हम उस सर्किट में करते हैं जहां वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। वोल्टेज का मान बढ़ने से रेजिस्टेंस में कमी होती है। VDR को सर्किट के हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एक सर्किट के माध्यम से हम जान भी लेते हैं, इस सर्किट के माध्यम से हमें समझ आ जाएगा कि VDR काम कैसे करता है। हमने सर्किट के पैरेलल में VDR को कनेक्ट किया है, तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो VDR में जो होता है वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। वोल्टेज का मान बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा करंट होती है वोल्टेज के बढ़ने से वो VDR से फ्लो हो जाती है और हमारा सर्किट सेफ रहता है। तो ऐसे हमारा जो वेरिस्टर होता है सर्किट को सेफ कर देता है यदि वोल्टेज का मान बढ़ गया। फोटो रेजिस्टर या LDR मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि जो LDR होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लाइट इंटेंसिटी से चेंज होती है। जैसे जैसे LDR में प्रकाश का मान या जो हमारी लाइट इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे प्रकाश की वैल्यू ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस का मान कम होता जाता है। जो हमारे LDR होते हैं लेड सल्फाइड से या कैडमियम सल्फाइड से बनाया जाता है, कि जैसे ही हमारा जो LDR बनता है उसके सरफेस पर ऊपर की तरफ जो सरफेस पर लाइट पड़ती है तो उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम और ज्यादा होती है। डेली लाइफ में भी इसका यूज देखा है, जैसे स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट हमारी गलियों में लाइट लगी होती है वो देखते कि खुद से जल जाती है और खुद से बुझ जाती है, वहां LDR का यूज किया जाता है। मेन गेट होता है हमारे घरों का, वहां हम LDR का यूज करते हैं कि जैसे ही गेट के ऊपर कार की या किसी व्हीकल की लाइट पड़ती है या टॉर्च की लाइट पड़ती है तो हमारा जो गेट होता है वो खुद से ओपन हो जाता है, यदि हमने वहां LDR का यूज किया है, मतलब वो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है।